नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बेसिक एचटीएमएल सिखाएंगे। एचटीएमएल वो होता है जिससे ज्यादातर ऐप और वेबसाइट बनते हैं। एचटीएमएल कोडिंग या प्रोग्रामिंग का बेसिक पार्ट है। एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आ चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एचटीएमएल में कुछ भी लिखने से पहले ये वाला और ये वाला मार्क डालते हैं, जिसका नाम होता है एंगल ब्रैकेट। और फिर सबसे पहले हम आप कोई सा भी HTML करें तो आपको ये डालना होता है, सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क और डॉक टाइप कैपिटल में और HTML स्मॉल में। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों डाला है। आप ऐसा मान लीजिए कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क डालना आपका कंपलसरी है, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क के बिना डॉक टाइप अधूरा रह जाएगा और आपका एचटीएमएल काम नहीं करेगा। और ये वाला मार्क अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर ये ऐसा बन जाएगा और ये एक वर्ड बन जाएगा और फिर ये आपके एचटीएमएल के लिए कुछ भी काम करेगा। इसके बाद आप, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये कंपलसरी है, वैसे ही आप यहाँ पे ये लिख कर HTML लिखते हैं। और फिर आप सोचेंगे अब तो हमने HTML डॉक टाइप HTML सब कुछ लिख दिया, अब हम ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं दोस्तों, तो आपको पहले ये लिखना होता है कि आप हेड में लिख रहे हैं। हेड यानी कि जो टाइटल वाइटल होता है वो हेड में ही होता है। और फिर आप ये यहाँ पे लिखेंगे अगर आपको, फिर आप यहाँ पे अगर आपको कुछ भी लिखना है तो सबसे पहले वो हेड में आना चाहिए। और फिर आप सोचेंगे हमने हेड लिख दिया अब तो हम लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, तो नहीं होता। आपको पहले ये भी बताना पड़ेगा कि ये है क्या। तो H1, जब भी हम हेडिंग हेड में लिखते हैं तो उसमें हम H1 लगते हैं, यानी कि हेडिंग 1। क्योंकि पहले ये तो होना चाहिए ना कि हमारा जो फाइल बन रहा है वो क्या है, उसका हेडिंग तो कुछ होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अर्पित पटेल। और फिर यहाँ पे आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों डाला है स्लैश, क्योंकि अगर आप ये डालते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये खुला, अभी खुला तो इसे बंद भी होना होगा। और बंद करने के लिए आप ये सेम लिखते हैं, बस उसमें एक स्लैश डाल देते हैं। और जैसे कि आपको हर चीज बंद करना होता है, तो फिर आपने इसे खोला है तो आपको ये एक खोला, आपने उसे बंद किया तो फिर आपको ये हेड जो आपने खोला है उसे भी तो बंद करना पड़ेगा ना। तो फिर आप ये हेड भी बंद कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पे आपने HTML भी खोला है उससे भी बंद कर दीजिए। और फिर आप ये डॉक्टाइप HTML जो है इसे बंद मत कीजिए, क्योंकि इसे बंद नहीं करते हैं। और फिर अब आप, मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइल को सेव कैसे करेंगे। आप ऐसे इसे सेव पर जाइए, फिर जहाँ पे आपको सेव करना है वहां पे जाइए। देखिए जब आप सेव करेंगे तो आपको ये TXT के नाम से मिलेगा ऐसे। तो आपको जो सबसे पहले काम करना है, आपको ये TXT को हटा देना है और फिर आपको इसका नाम लिखना है। और फिर जब आप अपने फाइल का नाम रख देते हैं, आप इसमें .html लगा दीजिए, क्योंकि एक HTML की फाइल है। और फिर इसे सेव कर दीजिए। देखिए तो यहाँ पे मेरी फाइल आ गई myfirst.html। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का आइकन इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज है। आप ऐसे इसे चेंज भी कर सकते हैं ओपन विद करके, जैसे आप गूगल क्रोम में खोल सकते हैं। आप कभी नोट पैड में मत खोलिएगा, अगर आप नोट पैड में खोलेंगे ये जो आपका वर्किंग है वो खुल जाएगा। तो आपको सबसे पहले इसे खोलना है, अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर माइक्रोसॉफ्ट एज में खुल जाएगा।
समय ले रहा है। ये देखिए, यहाँ पे आ गया है आपका अर्पित पटेल। ये हेडिंग था इसलिए ये बोल्ड फंट में आया है। अब आपको तो इसमें सब हेडिंग डालना है, तो आप सोचिए कि आपको इसमें सब हेडिंग डालना है, तो ये भी हेड में ही आएगा, क्योंकि हेडिंग्स सब हमारे हेड का पार्ट होता है। और फिर आप इसमें H2 डाल दीजिएगा, और फिर आप इसमें जितने चाहे एच डाल सकते, हेडिंग्स डाल सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग अनलिमिटेड है तो हेडिंग्स भी अनलिमिटेड। और फिर आप लिख दीजिएगा इसमें जो आपको इसका सब हेडिंग लिखना है। ये मैं लिख दूंगा और फिर आप इसे भी बंद कर दीजिएगा, जैसे आप हर चीज को बंद करते हैं। और फिर आप इसे सेव कर दीजिएगा, या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म कंट्रोल एस दबा दीजिएगा। और फिर देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा फंट में और थोड़ा सा कम बोल्ड में आया है, क्योंकि ये आपका सब हेडिंग और H2 है। और फिर यहाँ पर आप सोचते हैं कि यहाँ पे मेरे फाइल का नाम नहीं आना चाहिए, यहाँ पे .html नहीं आना चाहिए, यहाँ पे वो आना चाहिए जो तो आपको रखना है। तो फिर यहाँ पे जो .html आएगा, आप सोच रहे हैं नहीं, लेकिन आप इसको हटा भी सकते हैं टाइटल डाल के। अब ये टाइटल आपका इस पेज पे डिस्प्ले नहीं करेगा, ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, जो हमारा माई फर्स्ट .html है वहां पे डिस्प्ले करेगा। देखिए टाइटल मैं डाल रहा हूँ, वे जैसे आप हर चीज को खोलते हैं और उसे बंद करते हैं, इसे भी बंद कर दीजिएगा। और फिर देखिए यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे लर्न HTML आ गया। तो ऐसे आप अपना यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और आप जो भी डालेंगे टाइटल में वो वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि मैं इसमें कुछ और डाल दूंगा, मैं कंट्रोल एस करके इधर सेव कर दे रहा हूँ, और ये देखिए यहाँ पे आ गया लर्न HTML विद अर्पित। ऐसे ही आप यहाँ पे भी कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ भी डाल सकते हैं। और फिर अब आप तो सोचते हैं कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है। अब पैराग्राफ तो हेड का पार्ट नहीं हो सकता, तो हमारे हेड के नीचे क्या आता है, हमारा नेक। लेकिन नेक एचटीएमएल में नहीं होता, उसमें सीधे बॉडी आ जाती है। पता नहीं नेक और शोल्डर कहाँ पर चले जाते हैं, सीधे उसमें बॉडी आ जाती है। अगर बॉडी में आप पैराग्राफ नहीं लिखते, जैसे आपने हेडिंग का शॉर्ट फॉर्म लिखा था, हेडिंग टू का शॉर्ट फॉर्म लिखा था, लेकिन टाइटल का शॉर्ट फॉर्म कभी मत लिखिएगा। और फिर आप यहाँ पे पैराग्राफ का भी शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिएगा आपकी। और फिर यहाँ पे आप कुछ जो लिखना है, यहाँ पे आप लंबा लंबा लिखिएगा क्योंकि पैराग्राफ है, और हेडिंग्स में आप छोटा छोटा लिखिएगा क्योंकि वो हेडिंग है। और जैसे आप सब कुछ खोलते हैं, इससे भी खोला आपने और फिर इसे बंद भी कर दिया, जैसे आप हर चीज बंद करते हैं। फिर मैं इसे कंट्रोल एस करके सेव कर दे रहा हूँ, और फिर से आप रीलोड जब तक मत कीजिएगा जब तक आप इसे सेव ना कर दें। देखिए ये छोटा फंड में आ गया है और बहुत कम बोल्ड में, क्योंकि ये एक पैराग्राफ है और आप इसमें कितना भी बड़ा लिख सकते हैं।
देखिए यार, आप जितना लंबा लिखेंगे उतना आता जाएगा, लेकिन छोटे फटे में छोटे पैराग्राफ है। तो फिर आप जैसे हर चीज को बंद करता है, बॉडी को भी बंद कर दीजिए। और फिर ये हो गया आपका पूरा एचटीएमएल रेडी।